आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जीने लायक वेतन की मांग को लेकर प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल गत एक माह से जारी है। आज हड़ताल के 31वें दिन इंदौर के गांधी हॉल परिसर स्थित उद्यान में आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक एवं इंदौर जिला अध्यक्ष कविता सोलंकी की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर बैठक आयोजित की। इस दौरान कविता सोलंकी ने कहा कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियानों में निचले स्तर पर अति महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, लेकिन सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशाओं की उपेक्षा कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में आशाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी ईमानदारी से जी जान से काम किया है, लेकिन सरकार केवल 2,000 रुपए वेतन दे रही है। वेतन वृद्धि की मांग महीने भर से चल रही है, किंतु सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। वर्तमान महंगाई के दौर में 2,000 रुपए के वेतन से क्या होता है। संगठन आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक वेतन के रूप में 10,000 रुपए तथा आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं हेतु 24,000 रुपए की मांग कर रहा है। अतः जीने लायक वेतन की मांग को लेकर शनिवार 3 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर प्रवास के दौरान सभी आशा उषा आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। आशा कार्यकर्ताओं हेतु जीने लायक वेतन की मांग का समाज सेवी एवं कांग्रेस नेत्री रीटा संजय डागरे ने भी समर्थन किया है। श्रीमती डागरे ने कहा कि जीने लायक वेतन प्राप्त करना प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार होता है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर्मचारी को जीने योग्य उचित वेतन प्रदान करे। हम लोग आज से इकट्ठा नहीं है, 1 जून से पूरे मध्य प्रदेश में आशाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी कुछ 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि सरकार ने कुछ मांगे मानने का प्रस्ताव पारित किया था और एक डेलीगेसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बात करने के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने हमारी कोई मांगे नहीं मानी है और जिन मांगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने वह मांगे मानी है। जैसे कि हमारी मांग है कि आशा को एक निश्चित वेतनमान 10,000 कम से कम दिया जाए, उन्होंने माना था कि हम ये देंगे, परंतु उन्होंने कुछ मांगे जो कि कल एक लेटर आया उसमें माना गया है कि आशा को कार्य 25 दिन के अंतर्गत उनको पैसा दिया जाता है, जो कि 25 दिवस के तहत नहीं देते हुए पूरे महीने 30 दिनों का पैसा दिया जाएगा। परंतु हम तो ये जानना चाहते हैं क्या आशा को प्रतिदिन के हिसाब से उसको दिहाड़ी दी जाती है क्या, या इस हिसाब से हमें पैसा दिया जाता है। हमें तो हमारे कार्य के हिसाब से एक पूरे महीने का वेतनमान दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि हमको कम से कम 10,000 रुपये वेतन दिया जाए। और एक उन्होंने एक मांग पूरी की है कि आशा सहयोगिनी को सहयोगिनी न कहते हुए आशा पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर का दर्जा दिया जाता है। यह भी मांग उनकी गलत है सरासर। इससे किसी का पद बढ़ा देने से उसकी मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांग है कि आशा सहयोगिनी को कम से कम 24,000 रुपये वेतन मान दिया जाए। पद बढ़ा देने से कुछ नहीं होता, उनका घर चलाने के लिए वेतन राशि बहुत निश्चित जरूरी है। हमारी ये मांगे हैं। आज अगर ये लिखित में हमें दिया जाता है तो हम इंदौर जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लीगी। कल इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, तो क्या किस तरह से उनके सामने आप लोग अपनी मांगों को रखेंगे? हम लोग कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कुछ हॉस्पिटलों का जायजा लेने के लिए कि कोरोना में जो तीसरी लहर की स्थिति को जायजा लेने के लिए। इसी में PCCT अस्पताल है, हुकुमचंद अस्पताल है, यहाँ पे बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए ICU बेड और बेड तैयार किए जा रहे हैं, उसी का जायजा लेने आ रहे हैं। तो हम आशा कार्यकर्ता है, आशा करती कि मामा हमारी बात सुनेंगे शिवराज सिंह सरकार, उन्हें हम अपनी समस्याओं का मांग देंगे, हमारे एक ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी मांगों से उनको अवगत कराया जाएंगे। और आशा करते हैं कि मामा हमारी बातें मानेंगे और हम बहनों को निराश नहीं करेंगे, हम उनसे शालीनतापूर्वक और शांति से मिलना चाहेंगे, बस उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं। आपका नाम और पद? कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में अपना हक मांगने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है और पूरे मध्य प्रदेश में लगातार आंदोलन हो रहा है, मगर सरकार है जिसके कानों तक जू नहीं रोंग रही है, जबकि इन माता बहनों की अपने अधिकार उनको
मामा को, जिनको बहनें बोलते हैं, भांजियाँ बोलते हैं, वो अपने अधिकार के लिए दर दर भटक रही है। मामा को इनकी आवाज़ सुनना चाहिए और इनकी मांगे मंजूर कर लेना चाहिए।